आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा अब एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके चलते अब राशन की दुकान पर बिजली और टेलीफोन का बिल उपभोक्ता जमा कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के चलते जहां एक तरफ उपभोक्ता बिजली घर पर लगने वाली लंबी लाइन से बच सकेंगे, वहीं वह बिल का समय पर भी भुगतान कर सकेंगे। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जिस राशन की दुकान पर भुगतान किया जाएगा, उस राशन डीलर को भी कमीशन मिलेगा। इसकी पूरी तैयारियां गाजियाबाद प्रशासन ने कर ली है। उस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा त्यागी ने बताया कि सरकार द्वारा राशन डीलर को अलग से लाभ पहुंचाए जाने और उपभोक्ताओं को लंबी लाइन से बचने के लिए और समय पर भुगतान किए जाने के उद्देश्य से एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसके चलते अब सभी उपभोक्ता राशन डीलर के यहीं बिजली और टेलीफोन का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए राशन डीलरों को दी गई अंगूठा लगाने वाली मशीन के अंदर ही इस तरह का सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, जिससे राशन लेने के लिए आने वाला हर उपभोक्ता अपने टेलीफोन और बिजली का बिल वहीं जमा करा सकता है। वहीं उचित दर की दुकान मालिक सुनील का कहना है कि सरकार का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है, इसे कोटेदार की आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लोग बेहद उचित मान रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस योजना के चलते सभी उपभोक्ताओं के समय की भी बचत होगी और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी बरकरार रहेगी। देखिए, जैसे कि हमारे विभाग में जितना भी वितरण होता है वो ईपोज मशीन के द्वारा होता है। हमारे कोटेदारों को एक्स्ट्रा आमदनी के लिए, ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके, इसलिए हमने हमारी जो ईपोज मशीन है, जिसके द्वारा अंगूठे के द्वारा ही वितरण किया जाता है, उसी के अंदर एक नया ऐप डाला गया है, जिसके द्वारा हमारे जो भी कोटेदार हैं या कोई भी लोग हैं, वो उसके अंदर ही अपना बिजली का बिल हो गया है, फ़ोन का बिल हो गया है, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से उसके द्वारा पे कर सकते हैं। इसमें हमारा मेन क्या होगा कि जितने बिल के ऊपर उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ये, और उनको कैशबैक भी आएगा। ये प्रक्रिया इसलिए की गई है ताकि कोटेदार इससे अपना एक बेनिफिट ले सके और उनको भी इसमें फ़ायदा किया जा सके। जी जी बिल्कुल, बताया जाएगा उनको, हमारे एरिया वाइज सभी कोटेदारों को इकट्ठा करके इसके बारे में उनको समझाया जाएगा। जैसे कि मैं भी एक दो बार कुछ कुछ एरिया में गई हूँ, तो अभी तक हमने उन लोगों को, अपने जितने भी कोटेदार हैं, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि इस तरीके की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, तो आप लोग अपना बेनिफिट के लिए या थोड़े से, जिससे कि उनकी एक्स्ट्रा आमदनी भी हो सके, उसके लिए हम इस प्रक्रिया को, अपने छोटी सी ट्रेनिंग सभी को प्रोवाइड कराएंगे किस तरीके से वो पे कर सकते हैं। देखिए सर, यूपी सरकार की ये पहल बहुत अच्छी पहल है। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि फर्स्ट टाइम इस तरह की गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है कि हम लोग अपना बिजली का बिल राशन की दुकानों पे भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना काल के टाइम में भी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब देखते हुए एक डर बना हुआ रहता था, और जो पहले हैडल के अपने ऑफिस थे वहां लंबी लाइनों में लग के हमें बिल जमा करना पड़ता था, यहाँ काफी टाइम वेस्ट होता था। अब राशन की दुकान हर एक कॉलोनी के अंदर होती है, तो वहां जाके इजिली हम अपना बिल जमा कर सकते हैं।